मोस्ट वेलकम डॉक्स टी आर एन फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डॉक्स टी आर एन में। तो जैसे कि आज एक मेरे पास में कमेंट आया था मेरी वीडियो पर विवेक यादव का, जो कि बुलंदशहर से रहने वाले हैं और उनके पास में 2 ईयर्स ओल्ड है जर्मन शेफर्ड। तो उन्होंने मेरे को कमेंट किया कि आप मतलब कैसे मैं इसको ट्रेंड कर सकता हूँ, 2 ईयर्स ओल्ड हो चुका है, एडल्ट हो चुका है डॉग जर्मन शेफर्ड, तो क्या मैं उसको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो इसी पर टॉपिक होने वाला है, इसी पर मैंने वीडियो बनाया है उनके लिए स्पेशल कि आप अपने डॉग को कैसे ट्रेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास में जर्मन शेफर्ड है और वो एडल्ट हो चुका है तो क्या एडल्ट को आप किस तरीके से ट्रेंड कर सकते हैं, उसी टॉपिक पर ये वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो से लास्ट तक बने रहें। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एडल्ट डॉग को ट्रेंड करने के लिए आपको सबसे पहले पेशेंस बहुत रखना ज़रूरी है। आप डॉग को तो किसी भी डॉग को आप ट्रेंड कर सकते हैं, जर्मन शेफर्ड को, छोटा है, एडल्ट है या बहुत ही ज़्यादा एडल्ट है। तो आज हम बात करने वाले हैं एडल्ट डॉग की। तो आप एडल्ट डॉग को ट्रेंड करने के लिए सबसे पहले आप लिए चौक चैन का इस्तेमाल किए करें, क्योंकि चौक चैन आपको पैड शॉप पे मार्केट में कहीं पर भी मिल जाती है। तो आप उस चौक चैन से क्या बेनिफिट होगा आपका कि जैसे कि डॉग कभी कभी आगे बढ़ता है या मान लो आपको अटैक ही कर रहा है, तो उस अटैक को हैंडल करने के लिए चौक चैन का इस्तेमाल करते हैं। जब मान लो आपको बाइट करता है, जैसे कि विवेक यादव जी को मैंने ये वीडियो पोस्ट किया तो उन्होंने देखने के बाद में उन्होंने मेरे को कमेंट फिर दोबारा से मैसेज किया कि वो बाइट कर रहा है मुझे। तो अगर आपका डॉग बाइट करता है तो आप चौक चैन इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली चीज़ तो ये है। और सेकंड स्टेप ये है कि आपको पेशेंस रखना है, पहले उसकी चेक करनी है, पूरी एनाटॉमी उसकी देखनी है कि आपको बाइट कर रहा है तो आप स्टार्टिंग में उसको ट्रेनिंग ना दें, पहले उसके साथ में दोस्ती करें। अगर आपका फ्रेंड सर्कल बन जाएगा, अगर मान लो आप आज लेकर आए हैं डॉग, तो आज ही या कल में स्टार्ट ना करें उसकी ट्रेनिंग को। अगर मान लो आपने बाय किया है या आप परचेस करके लाए हैं या आप एडॉप्शन सेंटर से लाए हैं, आपने अडॉप्ट किया हुआ है उस डॉग को, तो उस कंडीशन में आपको पहले स्टार्टिंग में ट्रेनिंग नहीं देनी है, आपको उससे फ्रेंडशिप करनी है। दोस्ती करने के बाद में फ्रेंड्स आप उसको ट्रेंड कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के बाद में अगर मान लो आपका डॉग बाइट करता है तो चौक चैन का इस्तेमाल करें। उसका फेवरेट डिश क्या है, वो खाने में क्या पसंद करता है, तो सबसे पहले चीज़ उसको नोट करें कि पहला स्टेप तो आपका मतलब खाने के ऊपर है, फ्रेंड सर्कल बनाना है। उसके बाद में जब आप ट्रेनिंग देने जाते हैं तो आप उसकी चौक चैन का यूज करें। चौक चैन से आपको बाइटिंग नहीं करेगा, क्योंकि जर्मन शेफर्ड में काफ़ी ब्लड लाइन होती हैं। कोई ब्लड लाइन लो ब्लड लाइन का होता है, कोई हाई ब्लड लाइन का होता है, कोई नॉर्मल ब्लड लाइन का होता है। कन्फर्म करें जिनसे भी आपने डॉग लिया है या अडॉप्ट किया है कि उसके मदर फादर की ब्लड लाइन क्या थी, क्योंकि ब्लड लाइन का मतलब ही यही होता है कि उसके मतलब मदर फादर कैसे हैं, उनके मदर फादर का ब्लड कैसा है। मतलब हाई ब्लड लाइन है तो वो गुस्से वाला होगा, नॉर्मल है तो वो मतलब मीडियम होगा, फ्रेंडली होगा, और बहुत ही ज़्यादा लो ब्लड लाइन का है तो उसकी क्वालिटी भी मतलब ठीक नहीं होगी और लेजी भी होगा, वो ज़्यादातर एक्टिव नहीं रहेगा। तो ब्लड लाइन के काफ़ी मायने होते हैं, मतलब कभी कभी हम विद पेपर में भी ब्लड लाइन का पता कंफर्म कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ आपके पास में विद पेपर नहीं है, नॉर्मल है, तो आपने जिनसे लिया है तो उनके मदर फादर को चेक कर सकते हैं, उनके बारे में पता कर सकते हैं कि उनका मतलब बिहेवियर कैसा था, इनके मदर फादर का नेचर कैसा था, इनके मदर फादर की आदत कैसी थी, कैसे मतलब बिहेव करते हैं, वो नॉर्मल हैं या फ्रेंडली हैं, तो उस तरीके से आप पता कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको फिर भी मदर फादर का नहीं पता है, ब्लड लाइन का नहीं पता है दोस्तों, तो आप उसका नेचर, जो जिस डॉग को आप ट्रेंड करना चाहते हैं जर्मन शेफर्ड को, एडल्ट को, तो उसका नेचर देखकर भी आप उसकी आई कॉन्टैक्ट देखकर, उसकी आइस को देखकर, उसकी आँखों को देखकर, उसके हेड फेस की एनाटॉमी को देखकर वो कैसे क्या बिहेव करता है, तो उस टाइम पर आप कन्फर्म कर सकते हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर उसकी टेल चेक कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ चेक कर सकते हैं, उछल रहा है, कूद रहा है या नॉर्मल है, या आंखों में गुस्सा है उसके, या आपको जैसे कि बाइटिंग का एक्शन दिखाता है, मुंह खोल के मतलब इस तरीके से गुस्सा दिखाता है कभी भी आप ट्रेन करते हैं, तो इन चीज़ों को आपको देखना है। अगर उसकी एक्टिविटीज़ या उसकी बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल है और आपके साथ में खेल रहा है, दोस्ती
आपके साथ में उसकी हो चुकी है तो फुल आपका फ्रेंडशिप बन जाती है उसके साथ में, तो फिर आप कमांड स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग आप स्टे से करा सकते हैं, स्टे के बाद में आप सिट का कमांड दे सकते हैं। अगर स्टे कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप सिट का कमांड भी ट्रेंड कर सकते हैं। तो सिट या स्टे आपको कराना है या शेक हैंड कराना है या डोंट टेक कराना है, तो ऐसी सारी वीडियो मेरी चैनल पर हैं, आप विजिट कर सकते हैं और उसमें देख देख कर आप मतलब ट्रेनिंग दे सकते हैं उसको। एडल्ट डॉग को ट्रेनिंग देना थोड़ा सा टफ होता है, आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, गुस्सा भी नहीं करना है। अदरवाइज आपका डॉग अटैकर है तो हाँ, आप उसको थोड़ा सा टाइट पोजीशन में लेके ऊंची लैंग्वेज में, ऊंची वॉइस में बोल के, जैसे एक आर्मी कमांड होता है, आप नॉर्मल सिट बोलेंगे तो वो नहीं सुनेगा, आप थोड़ा सा तेज बोलेंगे, गुस्से में बोलेंगे सिट, तो आप वो बैठ जाएगा। उस टाइम पर क्या है कि आपको रिपीटेशन देना है वीडियो देखकर कि आपको कैसे सिट कराना है, कैसे नहीं कराना, उसी टॉपिक को आपको फॉलो करना है जैसे आप वीडियो में देखते हैं। तो अदरवाइज आपके बार एक बार समझ में नहीं आता है तो बार बार आप मतलब बार बार उस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो फिर उसको मतलब वो कमांड आपको देना है। और धीरे धीरे करके अगर वो पहली बार में भी आपको डॉग समझता नहीं है दोस्तों, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप उस टाइम पे छोड़ दें, ड्रॉप कर दें आइडिया ट्रेनिंग का। जैसे कि आपने आज स्टार्ट किया, वो कुछ भी नहीं कर रहा है और आपको ना मतलब गुस्सा आ रहा है या पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, आपके माइंड में ये आता है कि क्यों नहीं सीख रहा, मैं बार बार इसको रिपीटेशन दे रहा हूँ फिर ये नहीं समझ पा रहा है, तो उस टाइम पे पोस्टपोन कर दें। आप मॉर्निंग में करा रहे हैं तो फिर इवनिंग में आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। और ट्रेनिंग देने से पहले सबसे पहले स्टार्ट आपको ये करना है, देखना है कि उसका फेवरेट डिश कौन सी है, वो खाने में क्या इंटरेस्ट रखता है क्या नहीं रखता है, तो ये सारी चीज़ें चेक करने की होती हैं। पहले आपको दोस्त बनाना है, दोस्त बनाने के बाद में अगर आपका डॉग एग्रेसिव है, जैसे कि विवेक यादव जी का मेरे पास में मैसेज आया था इस वीडियो को देखने के बाद में कि भैया वो बाइट कर रहा है, तो अगर वो बाइट करता है ट्रेनिंग देने में तो उस टाइम पे ना दें, फिर उसको बांध दें आप, और बांधने के बाद में चौक चैन लगा दें ताकि आपको बाइट ना कर पाए और दूर से ही आपको सिट कराना है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस टाइम पर विवेक भैया ने इनको ट्रेनिंग दी है, इस वीडियो को देखकर तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, और पहले उन्होंने हाथों में लिया था तो वो बाइट करने लग गया, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये बाइट कर रहा है मुझे, तो फिर मैंने उनको आइडिया दिया कि आप इसको बांध कर दूर से आप इसको कोई भी ट्रिस्ट दिखा के, जो भी इसकी मनपसंद चीज़ है, डॉग फूड है या बिस्किट है या मान लो आप बॉयल एग भी यूज़ करा सकते हैं, चुस्टिक यूज़ करा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट्स करनी है। तो उसकी फेवरेट चीज़ देखनी है, पहले दोस्ती करानी है, अगर वो नहीं मानता है तो दोस्ती करनी है, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करानी है, उसके साथ में खेलना है, जब भी आप घर में आओ तो उसके साथ में कुछ ना कुछ कोई नई चीज़ खाने के लिए ला सकते हो, कोई टॉय ला सकते हो, जिससे उसकी दोस्ती हो जाएगी। जब दोस्ती होने लग जाएगी तो वो आपके कमांड को सुनने लग जाएगा, समझने लग जाएगा कि आप उससे कराना क्या चाहते हैं, तो इस तरीके से धीरे धीरे वो ट्रेंड होने लग जाएगा दोस्तों। और अगर फिर भी नहीं करता है तो उसके बाद में आप उसको डिले कर दें थोड़ा सा ना, आप उसको मतलब उस टाइम पे पोस्टपोन कर दें, मतलब इग्नोर कर दें। जैसे कि मान लो आपने आज पढ़ाया, वो नहीं समझ रहा है तो एक दिन में नहीं सीखेगा, फिर दूसरे दिन आपको प्रैक्टिस करानी है। अगर आप मॉर्निंग करा रहे हैं, मॉर्निंग में ट्रेनिंग कराते हैं तो फिर इवनिंग में कराएं, फिर दूसरे दिन कराएं, तीसरे दिन कराएं, उससे दोस्ती करते रहें और एक एक कमांड को रिपीटेशन करते रहें, तो तीन चार दिन में, पाँच दिन में वो फॉलो करने लग जाएगा आपका। जो भी आप कमांड दे रहे हैं तो पहले अगर आप स्टे पर फोकस करते हैं तो पहले स्टे ही सिखाएं, जब स्टे कंप्लीट हो जाए तो फिर दूसरा कमांड सिखा सकते हैं, सिट का, सेकेंड का और डोंट टेक का, जो भी आपकी नीड है। तो उस वीडियो को देखकर उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करानी है, और धीरे धीरे करके अगर वो एक बार में समझ जाता है तो फिर दोबारा आपको, ये नहीं कि आपके कहने पर अगर वो एक बार सिट कर देता तो आप बार बार प्रैक्टिस ही कराते रहें कि अभी ये बैठ गया था, फिर दोबारा आप उसको कोशिश करते हैं बैठाने की, वो नहीं बैठता है तो फिर आपको गुस्सा आता है। तो ऐसा नहीं कि एक बार कर दे तो फिर दोबारा बार बार आप कराते रहें, तो उससे क्या है कि बोर हो जाता है डॉग और फिर वो समझ जाता है कि मैं इनका कहना मानूंगा तो फिर ये दोबारा से मेरे को रिपीट करेंगे उस चीज़ को। अगर वो कर लेता है तो आपको कोई भी ट्रीट्स देनी है उसको खाने की, जो भी आप उसको पसंद है आप चेक कर लीजिए, तो फिर उसको आप वही चीज़ दीजिए खिलाने के लिए, खूब प्यार करिए। प्यार करने के बाद में फिर जो भी आप नॉर्मल काम करते हैं आप अपना काम कर सकते हैं, फिर दोबारा से आप आएंगे, पहले दोस्ती करनी है, खेलना है, और खेलते खेलते उसको इन्जॉय के साथ में, फ्रीडम के साथ में, आपको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए, ना डॉग को महसूस कराना है आपको कि मैं इसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो एक दोस्ती में कभी कभी क्या कि आपने बिस्किट पकड़ लिया, बिस्किट से ऊपर से आप उसको दिखा रहे हैं और आप बोल रहे हैं टाइसन सिट, तो वो एक बार में भी बैठ सकता है, तीन चार बार में भी प्रैक्टिस कराने में बैठ सकता है। अगर बैठ जाता है तो फिर उसको इग्नोर कर दीजिए गुड बॉय बोल के,
गुड बॉय बोलिए, फिर उसको इग्नोर कर दीजिए कि हाँ अब ये सुनने लग गया है, तो फिर आप उसको थोड़ा सा गैप देके फिर उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि फिर दोबारा से उसको रिपीट कराएं। एक कमांड कंप्लीट हो जाता है, फिर सेकंड कमांड, फिर थर्ड कमांड, तो इस तरीके से आपका एडल्ट डॉग ट्रेंड होने लग जाएगा। और ये काफ़ी मतलब अच्छा आइडिया है जी, मैं खुद अपने डॉग ट्रेंड करता हूँ तो मैं उसमें ये सारे आइडिया यूज़ करता हूँ और सारी आपको रियलिटी बताता हूँ इस वीडियो में। जो भी ये मेरा चैनल है, जो भी आपकी फैमिली है, जो भी आपका सपोर्ट है, तो वो सारा सपोर्ट मेरे को इसलिए मिल रहा है क्योंकि अदर चैनल पर क्या होता है दोस्तों कि वो मतलब दिखाते कुछ और हैं और अंदर की बातें कुछ और होती हैं। जब आप कमेंट करते हैं तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए या ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको अफोर्ड करते हैं कि आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, हर डॉग की एक्टिविटीज़ अलग होती हैं। तो ये तो बिल्कुल हकीकत बात है कि हर डॉग की एक्टिविटीज़ अलग होती हैं, तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए और मैं आपके लिए वीडियो भी बनाता हूँ और वीडियो बनाने के साथ साथ में मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। और जो जेन्युइन ट्रिक्स होती हैं वो जेन्युइन ही मैं बताता हूँ, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ 20 साल से डॉग्स के ऊपर, मतलब तो वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और रियल बताता हूँ। यहाँ पर कोई ऐसा ऑनलाइन ऑफलाइन का नहीं है कि आपसे मैं ऑनलाइन का लूँगा, जैसे कि विवेक यादव जी ने मेरे से ऑनलाइन का ही कंफर्म किया था कि भैया आपकी ऑनलाइन फ़ीस क्या है, एडल्ट डॉग है मेरे पास ट्रेनिंग करानी है, तो स्पेशल मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज़ फिर भी इस वीडियो से आपको सपोर्ट नहीं मिलती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट के थ्रू भी रिप्लाई देता हूँ आपको। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं आपसे वीडियो भी मांगता हूँ कि हाँ अपने डॉग की वीडियो दीजिए जिससे मुझे उसकी एक्टिविटीज़ का पता चले कि उसकी एक्टिविटीज़ किस तरीके से है, किस क्या नेचर है उस जर्मन शेफर्ड का या कोई भी एनी ब्रीड है आपके पास में, तो उसका नेचर जानने के बाद में फिर हम उसको फॉलो करते हैं कि हाँ कौन कौन सी मतलब टिप्स या एडवाइस आपके लिए सूटेबल रहेगी। तो यही आज की वीडियो थी। अगर भाई आप मेरी वीडियो पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो ताकि आपको फ्री में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपकी सपोर्ट के लिए ये चैनल है, तो प्लीज़ आप मेरी भी सपोर्ट कीजिए और मैं आपकी भी सपोर्ट करूँगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री है और सारे कमेंट के मैं आपके रिप्लाई देता हूँ फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अदरवाइज़ आपने ये देख लिया और फिर आप मतलब क्या होता है कि आपने आपको याद आता है कि हाँ उस चैनल मैंने देखा था, कोई चैनल था उसका नाम था, फिर आपको याद नहीं रहता, फिर आप यूट्यूब पर सर्च करने लग जाते हैं तो वो चैनल शायद मिस हो जाता है आपसे, फिर ये चैनल आपको नहीं मिलेगा अगर आपको चैनल का नाम नहीं याद नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके आप वीडियो देखें। जो भी आपकी प्रॉब्लम है पैट्स के रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे पास में चैनल में कोई भी चैनल लिस्ट में वो वीडियो नहीं होगी आपके कमेंट के थ्रू, तो मैं उस कमेंट पे वीडियो रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, सलाम अलैकुम, राम राम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।